हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड दिस कंडीशन विदाउट कैलकुलेटिंग एडजोइंट ऑफ ए। ये कंडीशन हम निकालना जानते हैं, ठीक है, बट इसको हमें विदाउट कैलकुलेटिंग एडजोइंट निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, अगर हमारे पास ए डॉट मतलब ए का मल्टीप्लाई करना है एडजोइंट ऑफ ए के लिए, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ए का डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर ऑर्डर 3 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले निकालते हैं इसका ए का डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, या तो आप इसमें वो क्या बोलते हैं, किसी भी स्लाइड को वन करने के लिए या जीरो करने वाली ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है, और नहीं लगाने तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। जैसे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग रो वन, है ना, ये 3 हुआ, ये गया -3 2 -1 1 -1 हुआ, ये गया 2 1 -1 1, फिर +2 आया, ये गया 2 1 -3 2, 3 1 3, फिर पॉजिटिव का 2, 2 1 2 प्लस का 1, 2 2 4 माइनस +3 -1 3 7 -3 -3 2 7 14, कितना हो गया -6 +14, कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 8। अब क्या बताया मैंने आपको, अगर आपको ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है इस कंडीशन के लिए, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली ए का डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, है ना। तो ये 8 0 0 0 8 0 0 0 8 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहां पर। तो दिस इज कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12।